सबके प्रणाम करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब बारिश के मौसम आवे वाला बा, सावन आ गइल बा, तो आद्रा में हमने के सूरज भगवान पहुँच गइल बा, तो हमने के आद्रा के थाली अगर ना खेनी जा चावल और पूरी दाल वाला, तो फिर कैसे होगी। तो आज हम लेके आए भी सबके खातिर आद्रा के स्पेशल थाली। में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब हम गर्मियों से आगे बढ़ते हुए बारिश के मौसम में पहुंचने वाले हैं, तो इससे पहले हमारे सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में बिहार के हर एक घर में एक स्पेशल पकवान बनता है जिसको हम बोलते हैं खीर और दाल पूड़ी। खीर बनता है जिसमें गुड़ डलता है, और पूड़ी जो चने की दाल को हम स्पेशल एक ट्रेडिशनल वे से उसको हम पीस कर बनाते हैं, जो कि प्रॉपर मैं आपको ट्रेडिशनल वे से ही आज बनाना दिखाऊंगी कि हम कैसे बनाते हैं। और वो और उसके साथ होता है सब्जी जिसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, और आम, पका हुआ आम और आम की चटनी या फिर आम का अचार। तो ये दो तीन चीज़ें हैं स्पेशल जो हर एक घर में खाते हैं लोग और इंजॉय करते हैं, और फिर हम सावन का हम स्पेशल स्वागत करते हैं इस तरह से। तो चलिए हम देखते हैं ये रेसिपी फटाफट से कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम एक कटोरी चने की दाल लेंगे और उसको हम 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। इसको भिगो के फिर उबालने से थोड़ा अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको करेंगे। ये देखिए हमारा दाल बिल्कुल भीग चुका है, ये देखिए अपने आप ही 2 टुकड़ों में टूट जा रहा है। अब एक कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा साबुत, 2 लाल मिर्च और थोड़ा सा हम हींग डालेंगे। और उसके बाद हम अपना जो सोख किया हुआ चने की दाल है उसको डाल के थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। मैं नमक डालूँगी, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर। इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लाइक धनिया साबुत डाल दीजिए या फिर पाउडर डाल दीजिए। थोड़ा सा चीनी मैंने डाला है थोड़ा टेस्ट के लिए, मीठापन आने के लिए। अब मैं इसमें 1 कटोरी के करीब पानी डाल दूँगी, थोड़ा उबलेगा। ये ऑलरेडी सोख हो चुका है, थोड़ा सा और अच्छे से पक जाएगा ताकि वो चने दाल की जो अलग सा स्मेल होता है वो चला जाए। और ये देखिए ये बिल्कुल पक चुका है, पानी सूख गया। इसको मैं ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ दूँगी। अब मैं आटा लगा लूँगी। आटा के लिए मैंने 1 कप आटा में 1/2 कप मैदा लिया है, उसमें नमक डाला है और तेल डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और एक अच्छा सा आटा गूंद के हम तैयार कर लेंगे, सॉफ्ट ही रहने देंगे ताकि उसमें हम अच्छे से फिलिंग भर सकें। ये हमारा आटा तैयार है। अब हम अपना जो दाल है हम उसको तैयार कर लेते हैं। दाल को देखिए मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से सिलबट्टे पे इसको मैं पीसूंगी। मिक्सी में भी आप चाहें तो उसमें भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पीसा है। इससे एक अलग ही स्वाद आता है बिल्कुल। तो इसको हम धीरे धीरे करके ऐसे पीस लेंगे, थोड़ा दरदरा ही रहता है। मिक्सी में आप पीसिएगा तो बहुत, या तो बहुत ज़्यादा पीस जाएगा या फिर मोटा रह जाएगा, और इसमें है कि बिल्कुल इक्वली पीसता है। इसको हम उठा लेंगे और एक कटोरी में रख लेंगे, और उसी तरह से हम बाकी के जो दाल है उसको भी पीस लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने पीस लिया है, जितना महीन करना चाहें आप कर सकती हैं। ये हमारा फिलिंग जो है तैयार है, फिर बाकी दाल भी मैंने पीस के ये तैयार कर लिया है। अब मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी। तो पराठे के लिए थोड़ा सा हम आटा लेंगे और उसको राउंड शेप दे देंगे, और थोड़ा सा फ्लैटन करके फिर इसमें हम स्टफिंग को अच्छे से भर लेंगे। जितना आप चाहें, अगर आपको कम पसंद है तो कम ले सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ले सकते हैं। और फिर लॉक करके हम इसको हल्के हाथ से दबा कर फिर इसको हम बेल लेंगे रोटी के शेप में, गोल गोल। बहुत ही हल्के उसे बेलेंगे क्योंकि अंदर स्टफिंग है वो बाहर ना निकल जाए। आप चाहे तो इसकी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो थाली है इस तरह से ही बनती है, इसका हम पराठा टाइप से ही बनाते हैं, लेकिन हम इसको बोलते हैं दल पूड़ी। इस तरह से मैं बाकी भी पराठे जितनी ज़रूरत है आपको
उतने तैयार कर लीजिए। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से हम बेलेंगे और हम इसको गरम तवे पे डालेंगे और इसको धीमी मीडियम आंच पे ही हम पकाएंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सेक जाए अंदर तक। और फिर इसमें हम तेल डालेंगे, तेल अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप डालिए। आपको अगर तेल कम खाना है तो कम डालिए, ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा डालिए। कुरकुरा कर दीजिए दोनों तरफ से। बहुत ही सॉफ्ट ये पराठे बनते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। आप ऐसे अलग से भी ये तैयार कर सकते हैं, इसको अचार के साथ सिर्फ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं। इसी तरह से हम सारे पराठे सेक लेंगे और ये तेल डाल देंगे। वेजिटेबल ऑयल आपको जो पसंद है, आप चाहे तो घी में भी इसको बना सकते हैं, घी में और भी टेस्टी और भी सोंदा आता है टेस्ट। और ये देखिए इसके साथ मैंने खीर बनाया है, खीर की रेसिपी तो आपने हमारी देखी हो। इसके साथ मैंने आलू गोभी की बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाई है। तो हमने दाल और पूरी तो बना ली है, तो सबसे पहले हम भोग लगाते हैं अपनी लक्ष्मी माँ को, जो बहुत ही इंजॉय करती हैं, उनका फेवरेट है। तो उनकी नानी सबसे अच्छा ये बनाती है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है इस बार, तो देखते हैं उनको पसंद आता है कि नहीं। तो अब मैं एक बाइट खाऊंगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कुक विद प्रीति चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।